स्कूल पढ़ते हो? कौन क्लास में हैं? बेटा बताओ, पढ़ते हो? बताओ बेटा, बोलो भाई, आई करते हो? तुम बहुत बहादुर आदमी हो हैं। मुख्यमंत्री जी हैं, सिर में चोट तो नहीं लगी है? मैडम जी इतनी तो नहीं है, गंभीर चोट नहीं है, सिर में दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा, सभी लोग उसी में कर रहे हैं। क्या पक्का मकान नहीं है आपके पास भी? तो फिर अच्छा, उसके नीचे तपने से या उसकी छत है क्या? छत थी उस पे, वो दीवाली गिर गई, दीवाल पक्की नहीं थी। पक्की थी सर, उस पर टीन सेट डला हुआ था, ये पूरे एक ही परिवार के 5-6 लोग दब गए थे उसके नीचे। आधा आधा घंटे में ये सब लोग निकाले हैं, इनकी माँ उधर एडमिट है, 6 लोग हैं ये, और पक्का मकान था। स्कूल जाना खूब है, ठीक जी, अंकित स्कूल जाना है, बहुत सुंदर, ठीक हो जाएगा जी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पीछे चोट लगी है ये, है ठीक हो जाएगा है। पूरी दीवार उनकी छत के ऊपर आई है और छत में ये अपने शरण ले हुए थे, पूरा परिवार उसके नीचे लग गया। ज़्यादा तूफान? तूफान बहुत। अच्छा, कितनी देर तक चला? करीब पौन घंटा सवा घंटा के करीब, बहुत तेज चला। कोई हेल्प के लिए परिवार से? ये भी आप ही के परिवार से? अरे ठीक हो जाएगा, बहुत देर है, और सुंदर स्कूल पढ़ना फिर मेहनत से। कैसे उनको वही चोट उसी मकान दबने से हुआ है? ठीक है, परिवार में और कौन कौन लोग हैं? उधर हैं? अच्छा, नहीं के परिवार, उनके एक डेढ़ वर्ष का बच्चा बीमार हो गया था। दो बच्चे उसके मां पर थे। इनके सिर में वो ज़्यादा चोट तो नहीं है? नहीं, देख लिया। दवाई वगैरह हो रही है? यहाँ सारी व्यवस्थाएं कराएंगे, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक है ना? क्या ये ट्रेन है क्या? हाँ जी, चोट लगी है तुझे? हैं हैं, इनकी माँ कौन है? इनकी माँ एक्चुअली एडमिट है, उसको अभी कल थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। ठीक है, रोते नहीं रहे, रोते नहीं, रोते नहीं है। हाँ, आजा आजा, इनको दूध वगैरह की व्यवस्था किया है यहाँ पे? यहाँ दवा हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? परिवार में और कौन कौन लोग हैं? वो मेरी सिर्फ बीवी है। अच्छा, हाँ, 4 बच्चे हमारे खत्म हो गए। किसको? तुम्हारे ही बच्चे थे? कौन कौन? 2-3 मेरे भाई थे, 1 मेरा था। अच्छा, कैसे? दीवार ढहने से? हाँ, ऊपर चद्दर डरी थी। भाई वगैरह कहाँ है? भाई गांव में। गांव में है वो? ठीक है, उस पे तो नहीं चोट आई है? चोट भी उनके लगी हुई है। उनकी पत्नी? उनकी पत्नी की भी लगी हुई है। तो पक्का मकान नहीं है? हाँ, पक्का मकान ही गिरा। कैसे गिर गया, कैसे हो गया? ऊपर चद्दर डरी थी तो वो भी पहले दीवार गिरी थी, तो उसके नीचे और मकान बनने था, वो उसके पत्थर टूटे। बेड शीट चेंज करना चाहिए। आपका घर कहाँ है? खेरागढ़ में ही। दीवार ढहने से चोट लगी है? तो क्या है ये सब सफाई क्यों नहीं करवाया आप लोगों ने? स्प्रिट लगा करके इसको साफ करके इसको ठीक ड्रेसिंग करवा देना चाहिए है, ये सब क्यों नहीं किया? अच्छा, आपका आएगा? कभी आप आए नहीं देखने के लिए? इसके पहले कभी देखा नहीं आपने? क्यों, आप राउंड नहीं लेते हैं? तो कैसे सब बंदे की कैसे है? दवा वगैरह का व्यवस्था हो गया इनका? दवा वगैरह चल रहा है? दवा की व्यवस्था करवाओ उनके लिए, तत्काल व्यवस्था कराओ। आप भी उसी वही गांव के रहने वाले हैं? ठीक है, दवा में कुछ दवा हो रही है? दवा शुरू हुई इनके? उनकी दवा क्यों नहीं प्रारंभ हुई? इंटर तो पहले से लगा हुआ है, उनके पेट में दर्द की शिकायत आई है, तत्काल प्रारंभ करना चाहिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? क्यों जी? ओ बोली, क्या नाम मेरे? बोली बता दे। अरे अपना नाम बता। बता क्या नाम है तेरा? बता 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 बता।
अरे अरे घबरा दवा हो रही है क्या? दीवार गिरने से दीवार ये इनके ड्रेसिंग क्यों नहीं कराया गया इसके चेहरे का? साफ करवाना चाहिए सब्जी को, ये सब साफ करवाना चाहिए। इन सब चीजों के लिए बोलना पड़ेगा क्या? डस्टबिन नहीं रखा है क्या? थोड़ी मिनट ऊपर डस्टबिन कहाँ? डस्टबिन कहाँ? डस्टबिन नहीं रखे हैं क्या? ये सब जो है हिमांशु कौन क्लास में पढ़ता है? एक में कहाँ चोट लगी है? नाक में? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ खाने के लिए मिल भी रहा है? बिस्कुट वगैरह कुछ मिला? भोजन है वगैरह सब मिल रहा है ना? नैना से पढ़ना है? आपका लड़का है?